इस कलयुग में द्वार पर फर्जी चैन फोटो लगाकर भ्रामक प्रचार कर या पैसे के बल पर खूब प्रचार कर जहां कॉलेज पहुंचे या कॉलेज से निकले मासूम छात्रों की अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें ठगने की कोशिश में सभी लगे हुए हैं, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इसे अंत तक देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए है जो शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए सीरियस हैं, जो दिखावे आडंबर में ठगे नहीं जाना चाहते। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आइए। CGPSC प्री फ्रेशर बैच और ये जो है ये SSC GD की क्रैश कोर्स जो ये शुरू हो रही है 25 सितंबर तक। और जहाँ बिल्कुल सही देखा आपने, फीस सिलेक्शन के बाद ये हम करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हम झूठे चयन फोटो का प्रचार नहीं कर सकते हैं, हम छात्रों को ठगने के लिए झूठा आभा मंडल नहीं बुन सकते। तो हमें जिगर है, हमने एक कदम आगे उठाया है और ऐसा आप पूरे भारत में किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं पाएंगे। फीस सिलेक्शन के बाद ये CGPSC प्री फ्रेशर बैच में लागू है और ये SSC GD का क्रैश कोर्स जो अभी शुरू कर रहे हैं 25 सितंबर से यहाँ लागू है। इसमें आप जान लें कि क्या है पूरी योजना। ये है कि आप देखेंगे कि लोग चयन फोटो के प्रचार में फर्जी आभा मंडल में आपको ये बिलासपुर भागने की चेष्टा करते हैं, या बड़े बड़े संस्थान जो द्वार पर फर्जी चयन फोटो लगाते हैं वहाँ भागने की चेष्टा करते हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि दुर्ग भिलाई यहाँ से रायपुर बिलासपुर जाने वाले PSC की तैयारी के नाम से 60-70% छात्र केवल अपने माता पिता को धोखा देकर वहाँ केवल टाइम पास मौज मस्ती करने जाते हैं कि घर से फ्रीडम मिलेगा, पहली बात। तो भीड़ जो है अधिकांश बिलासपुर में आपको उन छात्रों को दिखेगी, ठीक। और भीड़ को देखा देखी कुछ अच्छे छात्र भी वहाँ पहुँचते हैं, अच्छे छात्र जो वास्तव में सीरियस हैं। उन्हीं अच्छे छात्रों में, ब्रिलियंट छात्रों में चंद जैसे कहीं अगर हजार बच्चों की भीड़ है तो आपको हजार बच्चों की भीड़ में जो वास्तविक ब्रिलियंट चयन है प्रति वो 10 छात्र होते हैं। और आपको बता दूं ये 10 छात्र जो चयनित होते हैं ये भी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट छात्र होते हैं, NIT और ये सब किए हुए छात्र होते हैं, और इन्हीं के फोटो पर प्रचार कर जो है हजारों छात्रों को बैच में फंसा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अब आपको बिलासपुर जाके साल भर के रहने खाने का खर्च है ना, जो कि लगभग 1,00,000 से 1,20,000 तक आता है। कोचिंग जो है आपको 30,000 से 40,000 तक वसूलती हैं, लेकिन जो जिस बच्चे जिस उम्मीद में जाते हैं उसका 1-1.5 साल बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी कहानी बिल्कुल उल्टी है, अनुभव हो जाता है, ठोकर मिल जाता है तो उन्हें पता चल जाता है कहानी बिल्कुल उल्टी, हम ठग लिए गए, फांस लिए गए, जो सोच कर हम आए थे वैसा हुआ नहीं। और चयन मुट्ठी भर ब्रिलियंट छात्रों के होते हैं बस, बाकी जो चयन फोटो जिस प्रकार से आप पोस्टर द्वार पर भरे हुए देखते हैं, अगर आपको उसकी वास्तविक सच्चाई जाननी है तो इसी वीडियो को नीचे मोर ऑप्शन दिखेगा, आपको मोर ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, उसके नीचे आपको 3-4 वीडियो लिंक दिखाई देंगे, ध्यान से देखिएगा। जो सीरियस छात्र हैं आप कोचिंग के ठगी के सारे उपक्रम समझ जाएंगे और आपको फिर कोई कोचिंग फर्जी वाला करके आपको ठग नहीं सकेगी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, स्कीम समझाता हूँ आपको। CGPSC प्री ये हिम्मत हम कर रहे हैं जो भारत में या प्रदेश में किसी भी संस्थान की हिम्मत नहीं है। प्रचार कर, झूठे आभा मंडल बुन, रील में जो है मोटिवेशनल बातें कर, बड़ी बड़ी बातें तक की जाती है लेकिन ये जिगर किसी के पास नहीं है। CGPSC प्री फ्रेशर बैच ये 10 से 11 महीनों की अवधि होगी। हम कमज़ोर हो सामान्य हो सारे छात्रों को तैयार करते हैं, हमें वो काबिलियत है। वो काबिलियत इसलिए है कि हम जो है हम द्वार पर फर्जी चयन फोटो नहीं लगाते, हम अपने चयन इस प्रकार से प्रमाणिक बता सकते हैं। और आपने पूरे भारत क्या पूरे छत्तीसगढ़ क्या भारत में भी नहीं देखा होगा किसी संस्थान को जिस प्रकार क्लास करता हुआ प्रमाणिक चयन बताता हो, चाहे वो CGPSC प्री की बात हो, चाहे वो व्यापम में सिलेक्शन की बात हो, चाहे वो मंडी निरीक्षक फोन इंस्पेक्टर की बात हो, चाहे शिक्षक की बात हो, चाहे SSC GD की बात हो, चाहे अपेक्स बैंक जो अभी हुआ उसमें चयन की बात हो, उसमें चयन की बात हो, ये कोई नहीं बता सकता। चाहे CSEB की बात हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात हो, चाहे SI मेंस रिटर्न क्लियर किए हुए छात्रों की बात हो, चाहे PSC में इंटरव्यू दिए छात्रों की बात हो, ये हम इस तरह प्रमाणित करते हैं। चाहे रेलवे में सेक्शन ऑफिसर की बात हो, चाहे शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे SI मेंस क्वालिफाई की बात हो, चाहे मेडिकल में प्राध्यापक की बात हो, चाहे इस प्रकार से सारे हम इस प्रकार से प्रमाणित चयन दे सकते हैं। और आपने क्या देखा है किसी कोचिंग संस्थान को इस प्रकार चयनित प्रमाणित चयन करते हुए, वो कैसे फोटो एक द्वार पे लगाए जाते हैं, कैसे न्यूज़पेपर पे फोटो भर के प्रचार किए जाते हैं, उसका सत्य जानना हो तो आप नीचे वीडियो मोर ऑप्शन क्लिक करके नीचे वीडियो लिंक में देख लें। आइए, तो प्री कोर्स खत्म करने के पश्चात वो छात्र अपना प्री का पहला अटेम्प्ट देगा, ठीक। अब मान लीजिए खुदा न खासा वो छात्र उसमें चूक गया तो वो दूसरे अवधि में रिविजन क्लास हमारी करेगा और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा, और उसके बाद वो अगर क्वालिफाई करता है तो वो ये इतनी ही राशि हमें अदा करेगा, उससे पहले एक राशि अदा नहीं करेगा। इसी प्रकार SSC GD क्रैश कोर्स में जो छात्र गणित के छात्र रहे हैं, जिनका 10वीं तक गणित रहा है, 12th अगर उन्होंने किया तो 12th में भी गणित रहा है, ऐसे छात्रों में SSC GD जो अभी होने वाला है अगर उसको वो
एक पैसा नहीं देंगे, लेकिन वो रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं तो 25,000 की राशि उसके बाद ही जमा करेंगे फीस के रूप में। जो छात्र इस योजना के तहत नहीं जाना चाहते, उन छात्रों के लिए ये हमारी रेगुलर कोर्स है। आप देखें जैसे CGPSC प्री और CGPSC प्री प्लस व्यापम। CGPSC प्री 10,000 से शुरू है, 10,000। बहुत सारे छात्र हमारे यहाँ आते थे लेकिन वो करना चाहते, देखिए ऑफलाइन में खर्च आता है, फैकल्टी मेंटेन करना, AC मेंटेन करना, सारी सुविधाएं प्रचार करना, रेंट जो है बहुत भारी होता है मेंटेन करना, तो फीस तो ऑफलाइन में बनती है। ऑनलाइन क्लास में वैसे भी छात्र नहीं पढ़ता, ये तो कोरोना के बाद से फैशन बन चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। और क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो है बहुत ऑफलाइन क्लास में अगर कोई 100 स्टूडेंट पढ़ा सकता है तो ऑनलाइन क्लास में वो 1,000 स्टूडेंट पढ़ा सकता है, तो वो 500 की फीस भी लेगा तो वो चला सकता है, बल्कि उसमें भी करोड़ों रुपए कमा लेगा। लेकिन वो बात नहीं है, वास्तविकता यह है कि छात्र को तैयार करने के लिए उसका सामने उपस्थित होना बहुत जरूरी है। ठीक, ऑनलाइन क्लास केवल एक्स्ट्रा ब्रिलियंट छात्र होते हैं जो तैयारी कर चुके हैं, उन धार लाने के लिए वो ऑनलाइन काम आ सकती है। एक नया बच्चा ऑनलाइन क्लास से तैयार नहीं होता है, खासकर जो सामान्य छात्र रहा हो, जो एवरेज छात्र रहा हो, आइए देखिए, या कमजोर रहा हो। ये व्हाइट बोर्ड क्लास होगी, ये ऑफर जो है 25 सितंबर तक ही रहेगी। PSC प्री की फीस कोई हमारी जो होती है 10 से 11 महीने अवधि इसकी और 12 से 13 महीने अवधि इसकी। वो छात्र जो हमारे द्वार से जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो चले जाते हैं, उनके लिए व्हाइट बोर्ड क्लास है, शिक्षक वही, ये सारी सुविधा वही, बस यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड होगा ये जो है। और यहाँ पर देखिए इसकी आप डिटेल देख लें, जिन छात्रों को इसमें प्रवेश लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें अपने नाम के साथ। ठीक, और उसके बाद देखिए ये भी 25 सितंबर तक लागू है, स्मार्ट बोर्ड क्लास में PSC प्री 10 से 11 महीने अवधि वही 14,000, PSC प्री प्लस व्यापम 16,000, ये पूरी ये सुविधा के साथ आपके साथ लागू है। फैकल्टी वही होंगे सारे जो वहाँ पढ़ाएंगे और 70% आप मुझे देखेंगे। ये हमारी स्मार्ट बोर्ड हाइब्रिड क्लास जो हमारी रेगुलर क्लास होती है ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डेड, ये जो है PSC प्री मात्र 16,000, PSC प्री प्लस व्यापम 18,000। और आपको बता दूं इसमें 2 माह में असंतुष्टि पर फीस रिफंड नीति इसमें लागू है, जो हमारी कोचिंग की खासियत है कि वे छात्र, ये इसलिए रखी गई है कि बहुत सारे छात्र फर्जी चैन फोटो के प्रचार में फंस जाते हैं, कोचिंग की वास्तविकता जो है 50% को 1.5 से 2 महीने में मालूम चल जाती है, उनका स्तर मालूम चल जाता है कि PSC के नाम पर यहाँ पर केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई स्तर नहीं है। जबकि अधिकांश छात्रों को किसी को 6 महीने बाद पता चलता है, और कुछ छात्र तो ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, उनको 1.5 साल बाद पता चलता है कि वो ठग लिए गए। तो इस फर्जी आभा मंडल में कोई छात्र फंस कर ना रह जाए, वो तो 2 माह में अगर असंतुष्टि पर फीस रिफंड नहीं थी। और एक और कारण है, कारण यह है कि बहुत सारे छात्र जो है वो अपने दोस्त यार मामा मामी को देखते हुए PSC की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनको थोड़े समय के बाद 4 दिन 3 दिन की डेमो क्लास 4 दिन बाद फीस जमा कर ली जाती है। और ये नीति भी आपने पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखी है कि जो असंतुष्टि पर फीस रिफंड नीति रखता हो, कहीं नहीं पूरे भारत में आपने देखी होगी। वो तो 3 दिन का जादू दिखाया जाता है, 4th दिन फीस जमा कर ली जाती है और आपसे साइन करवा लिया दिया जाता है कि फीस किसी भी कीमत पर रिफंड नहीं होगी। तो ये नीति हम रखते हैं, जो हमारी रियल पॉलिसी है जो हम स्थापना वर्ष से चला रहे हैं। और एक और कारण है इसका, वही जो मैंने बताया कि छात्र जो है किसी के कहने पर निर्णय ले लेते हैं लेकिन 1-1.5 महीने बाद उन्हें एहसास होता है कि नहीं PSC मेरे बस का नहीं है, तो वो छात्र काहे को फंसा हुआ महसूस करे। और आपको बता दूं PSC की क्लास ज्वाइन करने वाले या UPSC की क्लास ज्वाइन करने वाले उनको उनके 1.5 से 2 महीने में ये पता लग जाता है कि PSC के लायक नहीं, ऐसे 50% छात्र होते हैं। लेकिन कोचिंग क्या उनका फीस रिफंड करने वाली है? नहीं, केवल नए छात्र जो है वो हिचक के मारे कोचिंग से फीस नहीं मांग सकते, और किसी ने मांग दिया तो पहले ही वो 4th दिन साइन करवा चुके होते हैं कि फीस किसी भी कीमत पर रिफंड नहीं होगी। इसीलिए तो द्वार पर सारे फर्जी चैन फोटो के जाल बुने जाते हैं, इसीलिए जो है लाखों का प्रचार करके प्रचार किया जाता है, बार बार फेसबुक इंस्टाग्राम और बाहर शहरों में बाहर बड़े बड़े होल्डिंग इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं। ठीक, और ये हमारी कोर है जो हमारी रियल बैच होती है। ये देखिए स्मार्ट बोर्ड हाइब्रिड क्लास, यहाँ रिकॉर्डेड क्लास भी उपलब्ध होती है ताकि बच्चा जो है एब्सेंट हो जाए तो उसको वीडियो उपलब्ध हो। यहाँ पर 2 माह में फीस रिफंड, और इसकी एक खासियत है जो हम रखते हैं, कोर्स के अंत में स्कॉलरशिप टेस्ट द्वारा 5% छात्रों को 100% फीस की राशि वापस की जाती है। ये नीति हमने इसलिए बनाई है कि छात्र जो है, क्योंकि छात्र वही चयनित होगा जो रेगुलर पढ़ेगा, वो छात्र जो 3 दिन पढ़ता है 4 दिन किताब बंद रखता है ऐसे छात्र नहीं है। और यही सब गुण हम छात्रों में डालकर कमजोर से कमजोर छात्रों को भी खड़ा करने की योग्यता रखते हैं, इसलिए रखी जाती है ताकि वो रेगुलर पढ़ाई करने को मोटिवेट हो। कहीं ना कहीं लालच तो अच्छा है, लालच से वो पढ़ेगा और मोटिवेट होगा। और मान लीजिए कोर्स के अंत में स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि पढ़े हुए विषय से स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा। आप एक और योजना देखते होंगे कि बच्चा कोर्स ज्वाइन नहीं किया उससे पहले स्कॉलरशिप टेस्ट लिया, बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं CGPSC के बारे में, तो क्या स्कॉलरशिप टेस्ट में वो कर पाएगा कि उससे स्कॉलरशिप मिलेगी? वास्तव में जो छठे हुए छात्र जो पहले से तैयारी कर चुके होते हैं उन बच्चों को छाट कर अपने यहाँ प्रवेश लेवाने की ये योजना होती है, जो कोर्स से पहले स्कॉलरशिप टेस्ट लिए जाते हैं कि फलाना स्थान वालों की 3% छूट 3% छूट, वो भीड़ इकट्ठे करने के लिए होती है। और उस स्कॉलरशिप टेस्ट को जो छात्र पहले से अन्य कोचिंग में तैयारी कर चुके हैं वही क्वालिफाई कर सकते हैं, और इस प्रकार से छात्रों को छठे हुए क्रीम बच्चों को अपने कोचिंग में प्रवेश दिलाकर
दिलाने का अवसर मिल जाता है, मकारी का अवसर मिल जाता है, एक ये है। फिर उसके बाद देखिए, अब SSC, GD, MTS और रेलवे ग्रुप डी, इन एग्जामों की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कायदे से 8 महीने की इसकी अवधि होगी और इसकी फीस 10,000 है। और कोई बच्चा जो SSC, CGL, CHSL या NTPC की तैयारी करना चाहता है, ये 10 महीनों की अवधि है, इसकी फीस 14,000 है। और आपको जो है पहले तो यही चलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके लिए भी योजना है कि जो इस तरह के 10वीं या 12वीं बेस सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम और 12वीं बेस व्यापम के एग्ज़ाम सब में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं कि कहीं भी अवसर मिले तो वहाँ हम घुस जाए, तो उनके लिए इसके प्लस CG व्यापम 12th बेस एग्ज़ाम की भी बैच है, वही 8 महीने 10 महीने। और जो बच्चे केवल सेंट्रल जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए 10th और 12th बेस एग्ज़ाम ये है, और उसके बाद 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम ये है, और इसकी अवधि 10 महीने। ठीक, आपने देख लिया। ये देखिए व्यापम वाला जो मैंने बताया, ये भी 8 महीने और उसके साथ सेंट्रल, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ जो अन्य विषय हैं जो छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा निकलेंगे उसमें हम ये पूर्ति करवाएंगे। और इस तरह से हमारा उद्देश्य कोर्स ख़त्म करना नहीं है, हम बच्चों को तैयार करते हैं, और किस प्रकार पद्धति से तैयार करते हैं वो जिगर रखते हैं, तभी तो हम अपने चैन सीना ठोक कर इस प्रकार से दिखा सकते हैं। फोटो फॉर्म पे मत जाइए, फॉर्म तो लोग जो है पैसे देकर कोचिंग भरवा लेती हैं, चयनित छात्रों को 2-3 लाख दे दिया, वो फोटो फॉर्म बैक डेट में भर के दे देते हैं। अगर किसी कोचिंग में वास्तविक योग्यता है, मेरी चुनौती है प्रदेश के सारे कोचिंग संस्थानों को कि आप जो चयन का प्रचार करते हैं, जो द्वार पर चयन फोटो लगाते हैं, आप उनमें से बच्चे जाएं और कहीं चयन फोटो पे 2-3 जगह हाथ रख दें, मांगें कि सर आप ये तो फोटो तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, आप प्राप्त कर लेते हैं टेस्ट सीरीज से या मेंस के बाद फ्री मॉक इंटरव्यू से प्राप्त कर लेते हैं, या फिर आपके दोस्त यार होते हैं उनसे फोटो मांग लेते हैं, आप फोटो लगा देते हैं। वो भ्रम है, झूठ है। आपको अगर उसको कोचिंग की ऑथेंसिटी चाहिए तो आप इस प्रकार से क्लास करता हुआ प्रमाण मांगिए। मैं 100% कहता हूँ कि कोचिंग आप कतराएगी, वो दुनिया भर के बहाने मारेगी, क्योंकि उनके पास तो आपके पास एक सवाल होगा, बोले आपके यहाँ CCTV कैमरा तो होता है, तो आप कोई भी जो चयनित फोटो का प्रचार करते हैं आप किसी एक का मत मांगिए, 3 फोटो आप मांग लीजिए, कोई 3 फोटो जितने भी प्रचार किए जाते हैं उनके 3 फोटो आप मांग लीजिए। आप बोलिए कि सर इनका अलग अलग महीनों में कैमरे में CCTV कैमरे में डेट और वो आता है, और यदि कैमरे से भी खींचेंगे तो वहाँ भी आता है, आप अलग अलग महीने में कम से कम 3 महीने का इनका सिलेक्शन से पहले का आपके यहाँ। अच्छा, इसमें भी एक ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज का फोटो ना हो, और दूसरी बात क्रैश कोर्स का फोटो ना हो, आपको ओरिजिनल, आप अपने रेगुलर स्टूडेंट जिसको आपने PSC प्री और व्यापम में पढ़ाया है आप उनका प्रमाण दीजिए, अलग अलग महीनों में क्लास करता हुआ 3 महीने का प्रमाण दे दीजिए, तो मैं जान जाऊँ। आप वो छोड़िए, इसको तो 100% कोचिंग नकार देगी, 90% तो आपको वो 1 महीने का भी फोटो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो छात्र उनके उस सेंटर में, एक और बात का ध्यान रखिएगा, वो जो फोटो द्वार पर लगे हुए हैं आप बोलिएगा कि जो आप प्रमाण दें तो आप इसी संस्थान का, इसी शहर में, इसी कोचिंग का और इसी क्लास का प्रमाण दें, इसी क्लास का प्रमाण दें कि आपने इन्हें पढ़ाकर चयनित करवाया है। अगर आपने नहीं करवाया तो किस हक से आप जो है हम जैसे मासूम छात्रों को ठगने और फांसने का ये उपक्रम करते हैं। ठीक, तो ये सारी योजनाएं आशा करता हूं जो है आपको समझ में आ गया होगा। आप सिलेक्शन के बाद फीस नीति, यदि इस नीति के तहत आना चाहते हैं आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, हम बताएंगे कि हम आपको तैयार कैसे करते हैं। सिर्फ एकमात्र शर्त होगी कि इस कोचिंग की पूरी अवधि के दौरान शुरुआत के 2 महीने में जिन बच्चों का 90% अटेंडेंस क्लास में और टेस्ट में अनिवार्य होना चाहिए, जो बच्चा क्लास ही रेगुलर नहीं आता उसे भगवान भी नहीं सिखा सकता, तो हम भी जिम्मेदारी उसके नहीं ले सकते, हम उसे इस योजना से बाहर कर देंगे, चाहे वो CGPSC प्री की बैच, फ्रेशर की बैच हो, चाहे SSC GD क्रैश कोर्स की बात हो, हम उसे बाहर कर देंगे। और उसके बाद अगर वो संस्थान में एडमिशन चाहेगा तो जो रेगुलर फीस होती है उसी के तहत वो एडमिशन लेगा। ठीक, और इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। ध्यान रहे, ये योजना 25 सितंबर तक ही है, 25 सितंबर तक छात्र यदि वो क्लास करने आ भी जाते हैं, और एक और बात, आपको ये निर्णय 3 दिन क्लास करने के बाद ही लेना है। हालांकि मैं जानता हूँ कि 3 दिन में अगर मैं नए बच्चों को बैठाऊं और 3 दिन में जादू दिखाऊं, सरल सरल टॉपिक बताऊं और आपके साथ हंसी छुटोली करूं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप कोचिंग की वास्तविकता 3-4 दिन के ड्रामे में नहीं जान सकते। आपको कोचिंग के सत्यता का ज्ञान 1.5-2 महीने बाद होगा, कुछ को 3 महीने बाद होगा, कुछ को 6 महीने बाद होगा, तो ये कोई मापदंड नहीं है, है ना। तो 3 दिन के, इसीलिए तो हम 2 महीने बाद संतुष्टि पर फीस वापसी रखते हैं अपने रेगुलर बैचेस में, और जो भारत में जिसकी हिम्मत कोई नहीं करता। ठीक, इसी के साथ मैं अंत करना चाहूँगा, आप आइए, आप देखिए कि किस प्रकार से हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और इस कलयुग में जो चमक आप देख रहे हैं उसके पीछे मक्कारी है, ठगी है, झूठ है। ठीक, अगर आपको वास्तविक कोचिंग आपको देखना है कि CGPSC के स्तर की तैयारी क्या होती, कैसे हम तैयार करते हैं, और इसीलिए तो हम दावा करता हूँ कि कोई भी संस्थान हो दुर्ग में, चाहे वो बिलासपुर के नाम से, बिलासपुर किसी कोचिंग के नाम से फ्रेंचाइजी चला रहा हो, प्रमाणित चयन CGPSC प्री के मुझसे ज़्यादा बता दे, उस दिन मैं ब्यूरोक्रेट्स बंद कर दूंगा। प्रमाणित का वो द्वार पर फर्जी चयन फोटो नहीं डिप्टी कलेक्टर DSP के, वो क्लास करता हुआ प्री के मुझसे ज़्यादा प्रमाणित चयन दे दे तो मैं उस दिन ब्यूरोक्रेट्स अपनी बंद कर दूंगा, और बता दूंगा आपको, जबान मेरी मायने रखती है, मैं वही बोलता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं नहीं कर सकता उसमें तब तक मैं हाथ नहीं डालता।
धन्यवाद।